हेलो ब्रोडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। ये हमारा चैप्टर टू का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स जो चैप्टर है हमारे पास। तो हमने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया है, अब एसिड और बेस की एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जिससे फैक्ट्स को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसमें हम एसिड के बारे में क्या देखते हैं, जैसे हमने एसिड के बारे में शुरू किया था तो क्या वहां पे क्वेश्चन आया था कि क्या होते हैं, तो वे सारे सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं स्वाद में उनको हम एसिड बोलते हैं। तो सॉर इन टेस्ट, जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं स्वाद में या जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। सेम उसी तरह से जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर जिनको हम बोलते हैं। और फिर क्या, एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, और जो बेसिस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होती है, 7 से ज्यादा। पीएच स्केल पे हमारे पास 0 से 14 तक के नंबर होते हैं, 7 से कम 0 तक ये एसिडिक रेंज में आएगा, और 7 से बड़े 14 तक ये बेसिक रेंज में क्षारीय परिसर में आएगा। फिर उसके बाद अब एसिड का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड अगर लाल है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये नीले को लाल कर देता है अम्ल जो होता है। और जो बेस होता है क्षारक, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर लिटमस पेपर नीला है तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर लाल है तो वो उसको नीला कर देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, रिलीज एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और वहीं पे बेस जो होते हैं हमारे वो जल में घुलने के बाद OH आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें एसिड और बेस का, तो जैसे हमारे पास हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें ये जो एसिड है हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। फिर यहाँ पे बेसिस में जब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर, जो हम एसिड और बेस को किस तरह से पहचानेंगे अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट अब हम अपना देखते हैं सम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल और क्षारकों की कुछ अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या है, एसिड का जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे हम एग्जांपल अगर अपना देखें तो हम एक मेटल लेते हैं जिंक, और प्लस एक एसिड लेते हैं अपना वही पुराना वाला HCl। अब जब ये रिएक्ट होगा तो H2 गैस तो रिलीज होगी, तो H2 रिलीज होगी, ठीक है, और क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। तो बचा क्या क्या है हमारे पास, जिंक और क्लोरीन। तो जिंक क्लोरीन ZnCl तो कभी बनता नहीं है, ZnCl2 बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गया मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड का। तो एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसको एक एरो ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब कि जो गैस बनी वो उड़ गई है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, वही सेम चीज हम बेस के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सारे बेसिस होते हैं सभी क्षारक ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो हम एक मेटल लेते हैं जिंक, और एक हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये अभिक्रिया जब होती है तो ये सभी क्षार के लिए सही नहीं, ये सभी क्षार अभिक्रिया ये नहीं देते हैं। तो एक लवण हमारे पास बनेगा, तो वो लवण जो बनता है वो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस हो गया। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये सोडियम जिंकेट है,
फिर उसके बाद हम ये देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस खुद आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं किसी एसिड का, HCl और प्लस एक बेस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से सॉल्ट बनेगा एक और फिर वाटर बनेगा, तो वाटर बना H2O। अब यहां पे बचे क्या गया, ये H और ये HO, ये H2O हो गया, बचा NaCl, तो ये हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। अब जब कोई भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है। अभी जैसे इसके ऊपर वाले रिएक्शन में क्या देखा, एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे थे तो सॉल्ट और वाटर बन रहा था, यहां पे भी प्रोडक्ट सेम ही है, सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट किए तो सॉल्ट और वाटर बना, यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बना, इसका मतलब ये बेस है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास कोई एसिड HCl ही ले लेते हैं, प्लस कोई मेटेलिक ऑक्साइड हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड हो गया, बनेगा क्या, वाटर रिलीज होगा तो H2O तो हमने लिख दिया, अब बचा क्या है सॉल्ट एक, तो अभी यहां पे क्या क्या बचे हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो यहां पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो यहां पे टू लगाना पड़ेगा, तो जो सॉल्ट बना यहाँ पे दो सोडियम बचे हैं और दो क्लोरीन बचे हैं, तो ये हमारा 2NaCl बन जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड हो गया। सेम वही चीज हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का देखते हैं, तो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया CO2 प्लस बेस कोई भी तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैग लाइम होता है हमारा, तो यहां पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज होगा तो वाटर H2O। अब सॉल्ट क्या बचा हमारे पास, ये कैल्शियम और एक O यहां पे बच गया और CO3, तो ये बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन तब भी होती है जब किसी दीवार को व्हाइट वॉश कर दिया जाए, चूने से कलर कर दिया जाता है, तो एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करके वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर बना लेता है जो काफी शाइनी होता है, इसीलिए पेंट चूने से पेंट करने के कुछ घंटे बाद वो बिल्कुल एकदम व्हाइट कलर का बिल्कुल शाइनी सरफेस के ऊपर बन जाता है। तो ये सारे रिएक्शन है कुछ हमारे, अभी और आगे जो बचे हैं वो हम देखते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन पे बेस्ड है, ये जो तीनों रिएक्शन थे ये न्यूट्रलाइजेशन, अगर क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अपना हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो भी मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, एसिड उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, तो पहले हम देख लेते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते क्या हैं। तो जहां कहीं पे जैसे प्लेलिस्ट की जो दूसरी क्लास की वीडियो है उसमें नेमिंग सिखाया गया है, आप वहां से जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम लिखना सीख जाएंगे उसके बाद यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम लिखते कैसे हैं। तो CO3-2 अगर उस पर चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट की, तो पेरियाडिक टेबल में जो पहले और दूसरे मतलब एक से लेकर के 13 ग्रुप तक जो दिए गए हैं वो सभी मेटल्स हैं, तो उनमें हम खास तौर से बात करेंगे पहले और दूसरे ग्रुप की, तो उसमें भी कुछ तत्व का ही हम लेके चलते हैं। तो कोई भी मेटल जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम Na, अब इस पे चार्ज पता होना चाहिए, तो सोडियम पे चार्ज +1 होता है और CO3 पे चार्ज होता है -2। अब वैलेंसी इनकी इंटरचेंज होगी तो ये दो जो है वो यहां पे आएगा,
और ये नंबर यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा Na2CO3। वन को हम कभी लिखते नहीं है, तो वन जाने से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पे टू होता और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर, अभी दूसरा एग्जांपल में, तो ये नाम क्या हो गया इसका, सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो HCO3 क्या होता है, HCO3-1 हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na+1 सोडियम। अब ये वैलेंसी आपस में एक्सचेंज होगी क्योंकि नंबर सेम है तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये मेटल कार्बोनेट है। तो ये तो एक रहा, ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पास मेटल हैं सबका कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको मिलेगा। उनका रिएक्शन हमको देखना है एसिड के साथ में, तो अब जरा वो देख लेते हैं। अभी अपना हम रिएक्शन देख लेते हैं, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो सॉल्ट बनेगा, ये इस सॉल्ट का जो प्लस पार्ट आएगा वो एसिड से आएगा और जो माइनस पार्ट आएगा वो मेटल कार्बोनेट से आएगा। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, तो हम कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस एसिड हमारे पास HCl। तो अब ये जो सॉल्ट बनेगा, यहां पे पहले तो हमारे पास H2O+CO2, फिर से रोको तो काट, फिर इतना पूरा काट करेगा। अपना हम अगला रिएक्शन देखते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो ये बनता है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो हम कोई कार्बोनेट लेते हैं मेटल कार्बोनेट, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस एसिड हम ले लेते हैं HCl। तो अब यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा हमारा, वो उस सॉल्ट का जो प्लस पार्ट होगा वो इस मेटल कार्बोनेट से आएगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो हमको एसिड से मिलेगा, और प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो हम यहाँ पे वाटर लिख देते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बनने ही बनने हैं, तो ये बन गया। अब बचा क्या, सॉल्ट हमको फॉर्म करना है, तो यहाँ पे H2O निकल गया हमारा, CO2 निकल गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो CO2 निकल गया और एक O वाटर के साथ में हो गया, तो फिर CO3 भी खत्म। यहाँ पे बचा Na2 और यहाँ पे Cl, तो Na और Cl, अब यहाँ पे दो सोडियम है तो क्लोरीन भी यहाँ पे दो होने चाहिए, तो ये 2NaCl। सेम इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी रिएक्शन होता है और वहां पे भी प्रोडक्ट हमारे सेम ही बनते हैं, तो उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो उसकी जो मैकेनिज्म लिखी जाएगी वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस एसिड, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, तो हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा NaHCO3 प्लस एसिड, तो हम HCl ही ले सकते हैं, HCl हमने लिया। और सेम प्रोडक्ट हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2O और CO2। अब हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक Na है और यहाँ पे एक Cl है, तो ये हमारा बन जाएगा NaCl। ये पूरा का पूरा रिएक्शन रहा हमारा मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन विद एसिड। तो ये उसकी पूरी मैकेनिज्म है और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलते हैं।